नमस्कार प्रिय बच्चों, पूर्व कक्षा में हमने 1 से लेकर के 5 तक के प्रश्न कर लिए थे। आज हम 6ठे प्रश्न से प्रारंभ करते हैं। तो आइए, 6ठा प्रश्न है आपका, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। मतलब साहस और शक्ति के साथ विनम्रता का होना अत्यधिक आवश्यक है। तो आपको पता है साहस और शक्ति दोनों कैसे हैं, वीरता के गुण हैं, और अगर विनम्रता नहीं होगी तो क्या होगा, उदंडता आ जाएगी। तो इन दोनों पर नैतिक अंकुश के लिए हमें विनम्रता अपने स्वभाव में धारण करनी चाहिए, और उदंडता जो होती है वो तो बुरा लगने वाला व्यवहार है। तो विनम्रता ही जो है इनको नियंत्रित करती है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के इस अंश में हमने देखा भी है ये चीज़ कि लक्ष्मण जो है वो बोलते बोलते बहुत बोल जाते हैं, जो कि गरिमापूर्ण नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगला 7वां प्रश्न है, भाव स्पष्ट करना है। भाव में आपको जो भावार्थ मैंने लिखवाए हैं, जो भावार्थ आपको मैंने समझाए हैं, तीनों जो आपके ये चौपाई के अंश हैं इनमें आपको लिख देना है। तो हम यहाँ पे भावार्थ लिखेंगे। 8वां प्रश्न आ जाता है, तुलसी के भाषा सौंदर्य पर हमको पंक्तियाँ लिखनी हैं। इस पर आपको तुलसी का भाषा सौंदर्य उतना व्यक्त करना है जितना आपने इस पाठ के अंश में देखा है कि तुलसी रसिद्ध कवि हैं। और यहाँ भाषा कौन सी है, बिल्कुल सही, अविधि भाषा है, दोहा चौपाई शैली है, भाषा कोमल है और कठोर वर्णों का प्रयोग नहीं है। और आपको मैंने स्थान स्थान पर बताया भी है कि कहीं पर उत्प्रेक्षा, पुनरुक्ति, प्रकाश, रूपक, उपमा, अनुप्रास, यह अलंकार बहुतायत से आए हैं, तो इसको भी आपको अपने से लिखना है। अच्छा, अब 9वां प्रश्न है कि पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ आपको लिखना है। बिल्कुल सही है, पूरा ही प्रसंग व्यंग्योक्तियों से भरा हुआ है। लक्ष्मण के जो कथन है वो तो व्यंग्योक्तियों से परिपूर्ण है कि वो बोलते हैं परशुराम मुनि हैं, ब्राह्मण हैं, बहुत अड़ियल हैं, बड़बोले हैं, लक्ष्मण पर व्यंग बाण चलाना ही उपयुक्त समझते हैं। तो आपको पूरे प्रसंग में जहाँ जहाँ भी जो व्यंग्योक्तियाँ आई हैं उनको काव्य पंक्तियों के साथ स्पष्ट करते हुए इसमें लिख देना है। अगला प्रश्न आपको अलंकार पहचान के बताने हैं। तो बालक बोली बदो नहीं तो ही, बिल्कुल स्पष्ट है, बय और है की पुनरावृत्ति है तो अनुप्रास अलंकार है। कोटि कलुस में भी क्या है, अनुप्रास है, लेकिन कोटि कलुस सम आ गया, जहाँ सम अरु सहरी समान आ जाते हैं वहाँ उपमा अलंकार हो जाता है, तो यहाँ भी उपमा अलंकार हो गया। ग देखिए, तुम तो कालु हाक जनु लावा, जानो मानो जनु मनु, जहाँ पर उपमेय में उपमान की बलपूर्वक संभावना व्यक्त की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है, बिल्कुल सही, उत्प्रेक्षा अलंकार। हमने 9वीं कक्षा में भी पढ़े हैं अलंकार, और 10वीं में इनका प्रायोगिक रूप आ रहा है, आपको इनको करके देखना है, तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। और घ देखिए, लखन उतर आहुति सरिस, सरिस मतलब समान, जहाँ एक चीज को दूसरी चीज के समान बताया जा रहा है तो कौन सा अलंकार होगा, सोचिए, बिल्कुल सही, जिसका सबसे ज़्यादा उपयोग इस पाठ में हमने देखा है, उपमा अलंकार है यहाँ पे, है ना। और बढ़त देख जल सम वचन, फिर से वापस से सम आ गया है, समानता है, तो यहाँ भी उपमा अलंकार है। रघुकुल भानु में रूपक अलंकार है, बिल्कुल ठीक। तो इस प्रकार से प्रश्न हमें करने हैं। अब एक बार हम इनको देख लेते हैं कि ये प्रश्न हमें उत्तर आदर्श उत्तरों से इनको हम मिला लें। तो देखिए बेटा, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इसमें हमें वही देना है। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता का होना एक बहुत ही अच्छा गुण है। विनम्रता इन दोनों पर नैतिक अंकुश रखती है। व्यक्ति कई बार शक्ति और साहस से संपन्न होने पे उदंडता करने लगता है तो उसकी इस उदंडता के कारण वह बुरा लगने लगता है। ऐसी स्थिति में विनम्रता ही उस पर नियंत्रण रखती है। 7वां और 8वां अपने आप से आपको लिख लेना है। और इसके पश्चात आप देखिए 9वां प्रश्न, जो कि मैंने आपको बताया कि 9वें प्रश्न में आपको व्यंग का अनूठा सौंदर्य पूरा, जहाँ भी आपको जो भी आपको अच्छा लग रहा हो, व्यंग बाण आपको पता है लक्ष्मण ने पूरे ही पाठ में सब जगह चलाए हैं, जहाँ भी आपको अच्छा लग रहा हो वहाँ से आप इसको लिख लेंगे। 10वां प्रश्न है आपका, अलंकार पहचानने हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले में
या क में हम कहेंगे ब और ह की आवृत्ति से अनुप्रास है, ख में कोटिकलुस में अनुप्रास है, कोटिकलुस सम सम आ गया है, समानता है तो उपमा अलंकार है, और इसके पश्चात ग जो है ये देखिए तुम तो काल हाक जनु लावा तो उपमे में उपमान की बलपूर्वक संभावना है तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, बार बार दो बार शब्द आया है दोनों बार अर्थ समान है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, लखन उतर आहुति सरिस समानता बताई गई है, जल संवचन में भी समानता है तो उपमा अलंकार है। इसी प्रकार से भृगुबर कौपु क्रसानु में रूपक अलंकार है और रघुकुल भानु में भी रूपक अलंकार है। तो इस प्रकार से भलीभांति सोच करके आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं और अपने उत्तर इन आदर्श उत्तरों से मिला लें। धन्यवाद।